नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्य मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाई सेल सिग्नल कम स्किनर मेरा वेबसाइट में डिस्प्ले करता हूँ उसको स्क्रीन करके जो रेगुलर व्यू देता हूँ फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और वेबसाइट पे, उसी को फिर से आप लोगों को स्क्रीन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट में डाटा में जाइए, रो सिलेक्ट कीजिए, फिल्टर लगाइए, प्रोबेबिलिटी को फर्स्ट स्क्रीन कर लीजिए। मैंने बोल चुका था कि ये प्रोबेबिलिटी आप लोग स्क्रीन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को अपने आप सब कुछ ट्रेंड मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी को सब स्क्रीन कर लेता है, सभी स्क्रीन करने का ज़रूरत नहीं है, पहले देखते हैं। दूसरा ये देखिए, इधर इसमें आ गया, इधर और भी देखते हैं और क्या किया जा सकता है। एलटीपी को बढ़ा लेते हैं, इनमें क्रॉस ओवर हो चुका है। बोलिंजर का मिडिल बैंड का ऊपर भी है, इंडियन का अपर बैंड का जरूरत नहीं है। एम एस सी डी को पॉजिटिव है, आर एस आई को कर लेते हैं, आर एस आई को कर लिया। इधर सिविल ब्रेक भी कर लेते हैं और देखिए इधर सब जो बोला पहले मैं बोला तो बोल चुका था कि इधर पिवट ट्रेंड और R1 का बीच में दो तीन टाइम फ्रेम एक ही होगा, एवल इंटरडे में दिखा रहा है। ये MA5 मतलब 5 डेज के हिसाब से भी वो पिवट ट्रेंड के ऊपर दिखा रहा है। पिवट ट्रेंड और नहीं तो R1, R2, R3 का बीच में है और शॉर्ट टर्म में भी ऐसे ही है, लॉन्ग टर्म का इतना ज़रूरत नहीं है। और इधर से आप लोग को प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। और इधर देखिए न्यू हाई लो जो बना है, इधर स्क्रीन कर लेता है। हाइक का जरूरत नहीं है और देखिए इधर पॉजिटिव चेंज इन प्राइस ऑटोमेटिकली आ गया, पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम भी आ गया एंड पॉजिटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3 डेज का हिसाब से। डिलीवरी परसेंटेज भी चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज। और इधर जो प्रोबेबिलिटी मैंने नहीं किया था उसको ज़रूरत नहीं है अभी इतना ज़्यादा। तो ये आप लोग नोट कर सकता है, ये मेरा फाइल पे आप लोगों को कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स मेरा रिकमेंडेशन माय फेवरेट्स एंड स्टॉक वर्सेस निफ्टी स्टॉक का कौन सा स्टॉक निफ्टी का हिसाब से कैसे मूवमेंट होता है और कमोडिटी ऐसा मूवमेंट है तो है ऐसे सब मिल जाएगा। जैसे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता है, लॉन्ग टर्म भी कर सकता है और जो रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करता है वो भी इधर से ट्रेंड देख के कैश या ऑप्शन में नहीं तो फ्यूचर में ये लेवल देख के कर सकता है। और इसको वोलेटिलिटी ये दूसरा तरीका भी किया जा सकता था इंटरडे के लिए, वोलेटिलिटी को ज़्यादा रख के कर सकता था, वो भी एक तरीका था वोलेटिलिटी और डिलीवरी परसेंटेज। यह देखिए आप लोगों को प्रोबेबल हाई लो 1 डे का हिसाब से मिलेगा, 3 डेज का हिसाब से मिलेगा, 5 डेज का हिसाब से मिलेगा, 15 डेज का हिसाब से मिलेगा, 30 डेज का हिसाब से।